प्यारे दोस्तों, आखिर जहांगीरपुरी में जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई एक हिंदू बहन ने बता दी न्यूज़ चैनल में। आप सुन लीजिए इस वीडियो को। वो यही कह रहे हैं मारवाड़ के मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। पहले मस्जिद पे मतलब जैसे पथराव किया, झंडा लगाने की कोशिश करी, फिर यहाँ से मुस्लिम दल के लोगों ने भी मतलब उसका मतलब विरोध किया। आप लोग चाकू तलवारें लेके रैली निकाल रहे हो जो अच्छी बात है, मैं भी हनुमान जी का भगत हूँ, मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन दिल से अपने घर में करता हूँ ना, लोगों को सताता नहीं हूँ। बजरंग दल वाले थे जो अपना कह रहे हैं ना, बार बार की शोभा यात्रा पे पथराव हुआ तो कोई इंसान क्या करेगा। तुम लोग वहाँ पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होके डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि, और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो, कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा, उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। क्यों कहा जा रहा है, इन पर दबाव किस चीज का, क्यों? ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कभी आपने कभी कभी देखा कि क्या नारे लगा रहे थे बार बार? बोल, उसमें दो चार ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोल रहे। तो गलत चीज है ना बिल्कुल ही। इन लोगों ने तो कभी मस्जिद में जाके ऐसा नहीं कहा, इन लोगों ने कभी मस्जिद में जाके गलत नहीं करा, मंदिर में जाके इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा, अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर, कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं, बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू छुरे गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी, ये लोग नहीं हत्थे थे। लेकिन जब इन पे वार हो रहा तो अपना बचाव तो करेंगे ये, जब वहां के लोग इन पे बचाव उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो बचाव करेंगे। लेकिन वो है, और यहाँ के लोग उठा के ले जा रहे हैं, तो मतलब क्या है ये गंदी राजनीति जो भी है, अपना भाईचारा कुछ लोग हैं इसमें जो भाईचारा आपस में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं तो कहूंगी प्लीज उन पे सख्त कार्रवाई हो, पकड़ा जाए उन लोगों को। सुन लिया ना आपने इस वीडियो में इस बहन ने क्या बताया? यही है सच्चाई कि बजरंग दल वाले वो जाकर पहले मुसलमानों को उसकाया, फिर जय श्रीराम का नारा लगाया, फिर ये भी लगाया कि मुसलमान को काटेंगे, मुसलमान को मार डालेंगे, यहाँ से खदेड़ देंगे। उसके बाद ही इन लोगों के हाथ में, बहन ने क्या बताई, तलवारें, कट्टा, बंदूक व सब वगैरह थी उनके हाथों में। फिर उसके बाद मुसलमान के अपने खुद बैठे रहेंगे, जब मस्जिद के अंदर आकर झंडा लगाएगा, उनको धमकी दी जाएगी, तो क्या करेगा मुसलमान? खुद ऐसे ही बैठा रहेगा क्या? वो अपने आप को डिफेंस नहीं करेगा क्या? इस बहन ने जो बताई, सुन लिया ना आपने, सुना था ना कि कितने सालों से इस गांव में वो रह रही है, लेकिन अभी तक मुसलमानों से उनको कोई परेशानी नहीं, कभी भी दिक्कत हुई नहीं, उसको किसी ने छेड़ा भी नहीं। लेकिन इसने वो बताई है कि ये राजनीतिक तौर पर यह किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए, ये कुछ लोग है छत्ता की वजह से कर रहा है, लेकिन इस भारतवर्ष में हजारों साल से सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं और आगे भी रहेगा।